من يهده الله فلا مغل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. <applause> أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों दुनिया में इंसान हर वक्त इम्तहान की हालत में है चाहे इंसान अपने घर में हो चाहे घर से बाहर हो चाहे मुश्किल में हो और चाहे आसानियों में हो चाहे खुशियों में हो चाहे गम में हो हर वक्त इंसान इम्तिहान दे रहा है ये बात अल्लाह तला शाह कुरानी करीब में अलग अलग अंदाज से मुख्तलिफ जगहों पर बयान फरमाते हैं कि तुम हर वक्त इम्तिहान दे रहे हो जो बहुत खुशहाली की जिंदगी में है वो भी इम्तिहान दे रहा है और जो बहुत परेशानी की जिंदगी में है वो भी इम्तिहान दे रहा है अल्लाह फरमाते हैं अमल इंसान इदा मब तला रबूहू जब अल्लाह फैसला करते हैं मैं इस इंसान को आजमाऊंगा तो आजमाने के लिए या तो देंगे फिर देखेंगे इंसान का रवैया क्या होगा और या फिर मुश्किल में डालेंगे और फिर देखेंगे इसका रवैया कैसा रहा इम्तिहान की पहली वाली किस्म जो बहुत मुश्किल इम्तिहान है वो ये है कि अल्लाह ताला शान हो जब ईमान अता करते हैं तो साथ में मुश्किलात डालते हैं और उस मुश्किलात को डाल करके ये देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा ईमान पर जमेगा या नहीं उसको अल्लाह कुरान करी में फरमाते हैं असिब नासुतरकुकुल अमन्ना व हमला युफ तन क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो कहेंगे इश् मुसलमान हम मुसलमान बन गए और फिर आजमाइश नहीं आएगी मुश्किल नहीं आएंगी नहीं मुश्किल आएंगी असिब नासु क्या लोगों ने गुमान रखा है अकूलु अमन्ना वो ये कहेंगे हम मोमिन बन गए व हमला युफनू फिर कोई आजमाइश नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा वालागत फतनदीन हम हमने इससे पहले भी लोगों को जब भी ईमान की तरफ चले आज़माया वालत फ़तनकाबलीम फलामसदा को वाल आलमकादमीन मैं इम्तहान डालता हूँ और इम्तहान डालने के बाद मुझे पता, पता चलता है कि ये शख्स सच्चा मुमिन है या टम्प्रेरी ममिन है पुख्ता होगा तो मुश्किल में भी जमेगा और कच्चा होगा तो कहेगा नहीं साहब ईमान कबूल करने के बाद तो मुझे खुशियां मिलनी चाहिए थी खुशियां नहीं मिली हैं तेरे रोज दिन बो मुसलमान फिर मैं ईमान वाला रहूंगा ही नहीं तो पीछे हट जाता ये बात अल्लाह ताला शाम एक और जगह भी बयान फरमाते हैं कहते हैं मैं देखता हूं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब मैं उनके लिए आसानियां आसानियां तो खुश और जो ही जरा सी मुश्किल आ गई एकदम पीछे हट जाते हैं और साथ में कहते हैं दी, दीन में अभी कुछ नहीं निकला हमने तो इतनी नमाज नहीं पढ़ी थी हम तो इतना अल्लाह से अटैच थे फिर हमको मुसीबत क्यों आ गई लिहाजा हमको दीनदार बनने का फायदा ही नहीं रहा तो दीनदारी को छोड़ देंगे तो इसका तब यह हुआ कि उनकी दीनदारी तभी तक थी जब तक उनके लिए आसानियां थी और जो ही जरा सी मुश्किल आ गई तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मन का नद्न्म आखिर म अल हर्फ बाजी लोग अल्लाह की इबादत करेंगे लेकिन हैं किनारे पर अगर आसानियां हैं तो जमे रहेंगे और जरा सी मुश्किल पिछड़ जाएंगे वमिन म अल हर्फ खैर इतमाना भी अगर उसको आसानियां आसानियां मिल रही हैं तो बिल्कुल जमा हुआ है वन असाब शार इनका लाबालावजी है और अगर जरा सी परेशानी है तो फिर हम पीछे अट जाता है तो इम्तिहान की पहली वाली कस्म वो है कि आदमी ईमान कबूल करे और ईमान कबूल करने पर भी मुश्किल आए माली मुश्किल सेहत की मुश्किल तरह तरह की इम्तिहान तो उस इम्तिहान उसको जमना है जैसे साहबा के कि जब उन्हें ईमान कबूल किया तो तरह तरह की मुश्किल और इतनी सख्त मुश्किलें आईं कि ऐसी मुश्किलें दुनिया में किसी कौम को नहीं आई हैं बल्कि साहबे के नाम क्या खुद जनाब रसूल अक्रमल्ला अच्छा। अच्छा। इतनी सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ा आपने फरमाया वाला कब उजी तो फिल्ला ही मुझे इतनी अजियतें दी गई हैं इतनी अजियतें दुनिया में किसी को नहीं दी गई तो एक इम्तहान तो होता है ईमान कबूल करने पर हम अपने बारे में अगर गौर करते हैं तो हमारी हालत यह है ईमान कबूल करने पर हमें कोई इम्तहान नहीं देना पड़ा ऐसा नहीं है कि हमने ईमान कबूल किया हो और फिर मुश्किल आई हो नहीं आई ये वह अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है मुमकिन है हम में से बहुत सारे लोग उस इम्तहान में फेल हो जाते इस बात को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे तब तक जब तक उन लोगों के हालात न देखें जो चाहते हैं ईमान की तरफ आए मगर रुकावटें हैं जो चाहते हैं ईमान की तरफ आए मगर मुश्किल का खौफ है और इसलिए वो तजबजुम की हालत में है वो समझते हैं दीन हक हाँ ये है और हम गलत रास्ते पर हैं इस गलत रास्ते को छोड़कर दीन की तरफ आते मगर ये मुश्किल है ये रुकावट है ये परेशानी है फलानी की तरफ से फलानी तबके की तरफ से हुकूमतों की तरफ से अफराग की तरफ से घर की तरफ से वो सब सोच करके फिर कहते हैं, अब नहीं हम जाए अंदर अंदर से समझते हैं दीन हक हाँ वो है और मुश्किल का सामना नहीं कर पाएंगे लिहाजा दीन कबूल नहीं कर नहीं करते और यही वत हजारों ने लाखों इंसान ऐसे हैं जो ईमान की तड़प में ईमान की तलब में रहते तो हैं लेकिन ईमान कबूल नहीं करते और इसी चाहत के साथ ही दुनिया से चले जाते इंडिविजुअल जिंदगी में वो तस्करा करते हैं सच्चा दीन तो वही है लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम मुसलमान बन सके और तरह तरह की रुकावटें हैं तो अल्लाह ने हमको इस इम्तिहान से बचाया ईमान कबूल करने पर हमें न कोई जुल्म सहना पड़ा ना घर की मुश्किल झेलनी पड़ी ना माली मुश्किल झेलनी पड़ी ना परेशानियां कुछ नहीं अब ईमान कबूल करने के बाद जो इम्तहान आना चाहिए था उससे अगर हम महफूज हैं तो अगली जिंदगी में इम्तहानत आएंगे अगली जिंदगी में इम्तहान क्या होंगे कभी बड़ी आसानियां होंगी फिर अल्लाह ताला तला देखना चाहेंगे मेरा यह बंदा इन आसानियों में बिगड़ रहा है या सुधर रहा है कभी ऐसा होगा जनाब जब तक बेरोजगार थे बहुत अच्छे जो ही रोजगार में गए बिगड़ गए कभी ऐसा होता है कि जनाब जब रोजगार था तो बहुत अच्छे थे और खुदा न खासा माली मुश्किल आ गई तो बिगड़ गए कभी यह होगा और कभी यह होगा जब तक अच्छी हालत थी तो दीनदारी थी और जब जरा सी परेशानी आ गई तो बेदीनी भी आ गई कभी ऐसा होगा कि परेशानियां थी तो दीनदारी थी बिल्कुल हर वक्त अड़पता था खुदाया रोजगार मिलना चाहिए या अल्लाह परेशानी दूर होनी चाहिए और जो ही परेशानी दूर हो गई बस फिर इसका भूल गए कभी यह होगा और कभी यह होगा इसलिए हर आदमी हर वक्त इम्तिहान में है छोटी जिंदगी में भी इम्तिहान बड़ी जिंदगी में इम्तिहान हम सड़क पर चल रहे हैं सामने से कोई नामहरम अब हमारे सामने इम्तिहान है हम उसको देखें या अपनी आंख बचाएं हो सकता है बचाने में कामयाब हो गए तो इम्तिहान में पास और हो सकता है बचाने में कामयाब नहीं हो तो रेलोगे किसी ने हमको बुरा बला कहा अब हमें यहां से रिएक्ट करना है या बर्दाश्त करेंगे और या फिर रिएक्ट करेंगे हमने बर्दाश्त कर लिया सह लिया तो कामयाब हो गए और अगर हमने बर्दाश्त नहीं किया रिएक्ट किया बदकलामी की बुरा भला कहा और जो कुछ हमसे हो सका तो इसका तो फेल हो गया घर में जरा सी कोई नागवारी की बात पेश आ गई या बर्दाश्त करेंगे और या फिर उलझेंगे अगर उलझ गए इसका तो इम्तहान में फेल हो गए और अगर हमने बर्दाश्त कर लिया तो इम्तिहान में पास हो गए हर वक्त हर इंसान इम्तिहान में है तो अमल इंसान अकरमहन के बंदे को अल्लाह तलाहान डालते हैं खूब देंगे कैसा पैसा भी खूब है, है इज्जत भी है मकान भी है फैसिलिटी सारी है अब अल्लाह ताला तला देखेंगे कि क्या करेगा पैसा बहुत है इस पैसे की वजह से बिगड़ रहा है अयाशियां फहाशियां आवार पिकनिक एक्सकर्शन पैसे का फजूल खर्चियां ये कर रहा है या पैसे को संभल संभल करके इस्तेमाल कर रहा है मिल गया इस कुर्सी का वो इस्तेमाल गलत कर रहा है या सही कर रहा है मोहल्ले में इज्जत मिल गई इस इज्जत का वो गलत फायदा उठाता है या सही फायदा उठा रहा है तो नियमतें मिलती हैं और वो इम्तिहान भी होती हैं और कभी नियमतें छिन जाती हैं और जब नियमतें छिन जाती हैं तो उस वक्त बंदे को देख सेहत बहुत अच्छी थी तो इम्तिहान है इस हत के जमाने में क्या किया इसने और अगर खुदा न खास्ता बीमारी आ गई तो भी इम्तिहान है इस बीमारी में इसका रवैया क्या होगा अल्लाह की शिकायत होगी अफसोस होगा एहसास होगा जुबान से बुरे जुमले निकलेंगे या क्या होगा मुझे याद है एक दफा एक बीमार के हम खबरपुरसी के लिए गए तो वो बहुत ही गुस्से के साथ अल्लाह से नाराज थे और वो कहता था मैं सुन समझ मुझे समझ में नहीं, नहीं आ रहा मैं क्या मैंने कौन से गुनाह किए थे खुदा ने मुझ पर यह मुसीबत क्यों डाली मैं सुन समझ हुआ मेरी समझ में नहीं आ रहा मैंने कौन से गुना किए थे अल्लाह ने मुझ पर मुसीबत क्यों डाली और फिर सर ऊपर करके कहता हो खुदा मैंने आपका क्या खाया था आपने ये मुसीबत मुझ पर डाली ये जुमला वो बोल रहा था और चूंकि तीन चार साल हो गए थे ऑक्सीजन लगा हुआ था तो इस वजह से और साथ में मुझे भी मुझे भी कहता था मैं मानता तो मैं क्या गलती है इस इसका मुझे बताओ ना मैंने क्या जुर्म किया था इसका तब तो यह है परेशानी आई और इम्तहान में फेल हो गया इसके मुकाबले में हम दूसरे बीमार की खबरपुर्सी के लिए गए जो कैंसर पेशेंट था और आखिरी स्टेज में था तो जब हम उससे पूछा क्या हाल है उसने कहा अल्लाह का, अल्ला का शुक्र कर फिर उसे पूछा गया मैंने उसे खुद पूछा मैंने कहा कुछ खा पाते हैं क्या दो तीन लुक में खाता हूं वो भी हजम नहीं होता इसमें भी अल्लाह का शो कर मैंने कहा अचान रात को आराम करते हैं कल का मुश्किल से दस पंद्रह मिनट पंद्रह बीस मिनट आंख लगती है फिर जाग जाता हूं फिर सारी रात छत को देखता रहता हूं नींद नहीं आती है तकलीफ की वजह से फिर साहब ने कहा इस पर भी अल्लाह का शुक्र है फिर उसने कहा मैंने कहा बी बच्चों का क्या हाल है कहने लगे सब रात भर खड़े रहते हैं और खिदमत कर रहे हैं इस पर भी अल्लाह का शुक्र है गरज यह कि पांच सवालों के जवाब भी उसने शुक्र पढ़ा हालांकि कैंसर के आखिरी स्टेज में था तो गिला नहीं किया अल्लाह का ठीक इसका तो बीमारी आई और यह बीमारी इम्तिहान था उस उसमें, उसमें कामयाब हो गया अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं वाला जरूर भी जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे किसी भी इम्तिहान या तो परेशानियां आएंगी माल का नुकसान होगा जानी नुकसान होगा लॉस होगा सेहत नहीं रहेगी कुछ ना कुछ इम्तिहान आएगा फिर मैं देखूंगा तुम सब्र करोगे कि गिला करोगे तुम्हारे जहन में खुदा के का शिकवा आएगा या उस हाल में भी तुम अल्लाह के शुक्रगुजार रहोगे फिर आगे फरमाते अगर तुम सबर गुजार रहोगे तो बबशर साबरीन उनको खबरी सुना देंदीन असाफत मुसीबत जिनको मुसीबत आती है तो ये नहीं कहते खुदाया मुसीबत क्यों डाली बल्कि ये कहते हैं जिस अल्लाह ने आसानियां दी थी उसी अल्लाह ने मुसीबत में डाली है इनाली इन्ना, इन्ना राजुन पाते हैं फिर अल्लाह तला फरमाते हैं सालवात में रब उन पर मेरी तरफ से सलवात मेरी तरफ से उन पर रहमतें अजीब बात है सलात और सलाम हमको हुक्म है कि नबी के लिए पढ़ें और अल्लाह ताला शानो मुसीबत ज़्यादा इंसान को जब वो सब्र करता है तो अल्लाह मेरा सलात इस पर सलाहमलादून और ये लोग हिदायत पर हैं रहमत भी सलावात भी और साथ में हिदायत का ऐलान भी कर रहे हैं हर इंसान हर वक्त इम्तिहान दे रहा है बंदुओं को जो नेमतें मिलती हैं हर नेमत के साथ साइड इफेक्ट लगा हुआ है मसलन दौलत मिल गई इस दौलत के साथ किबर आ सकता है बड़ाई आ सकती है फजूल खर्ची आ सकती है आवारगी आ सकती है गलत जगहों पर पैसा खर्च करना आ सकता है और ना जाना क्या क्या खराब है दौलत की बुनियाद पर आती है और कभी मुश्किल आएंगी उन मुश्किल में क्या होगा गिला आएगा शिकवा आएगा अल्लाह से नाराजगी आएगी बल्कि हो सकता है शैतान कोशिश करेगा दीन की नफरत आ जाए यहां तक भी हो सकता है कि गुरबत की वजह से अपनी दीन को ही छोड़ देता है फरमाया जनाब रसुल काफरा फकर और तंगदस्ती कभी कभी आदमी को कुफर तक पहुंचा देती है तो हर वक्त हर इंसान इम्तिहान दे रहा है इस इम्तिहान में खुशहाली का इम्तिहान अल्लाह ने इम अता किया। इस इल के नतीजे में हो सकता है तोजो आए और हो सकता है तकबर आए तकबर के समझेगा मैं इतना पढ़ा लिखा हूं मैं इतनी वाली डिग्री वाला हूं मैं स्कॉलर हूं मैं मौलाना हूं मैं अल्लामा हूं मैं मुझ, मैं आथर हूं मैंने इतनी किताबें लिखी हैं दूसरों का हकीर समझना अपने आप को बहुत बड़ा समझना किबरा सकता है इल्म की बुनियाद पर कभी इबादत की बना पर किबर आएगा कभी इल्म की बुनियाद पर किबर कि आएगा कभी कुर्सी की बुनियाद पर किबर आएगा कभी पैसे की बिना पर किबर आएगा महल्ले वालों ने ज्युफ बनाया बड़ा बनाया तो उसके बना पर किबराएगा गरज ये की सारी नियमतें हैं नियमतों के साथ साइड इफेक्ट लगा हुआ है तो इम्तिहान दे रहा है इंसाना मिल गया था उसके नतीजे में इंसान बराई में मुतल हो गया कामयाबी के लिए पहली शर्त है कि आदमी हर हाल में यह समझे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है यह अल्लाह के फैसे से हो रहा है अगर मैं मुश्किलात में हूं तो यह अल्लाह का फैसला है और अगर मैं आसानी में हूं तो यह भी अल्लाह का फैसला है मैं मुश्किल को दूर करने के लिए मुझे जो कुछ करना चाहिए मैं करूंगा इसके बावजूद अगर मुश्किल बरकरार हैं तो ईमान वाला कहेगा मेरे अल्लाह के मेरे बारे में यही फैसला मैं उसके लिए तैयार मसलन बीमारी आ गई इस बीमारी में इलाज मुआवजा हुआ लेकिन ठीक नहीं हो रहा है तो अब गिला नहीं करना है कि अल्लाह मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्लाह का फैसला यही है कि मैं बीमारी रहूं अगर ये कैफियत इंसान को हासिल होगी इसको कहते हैं रजा बिलक जनाब रसूल मुझे वो यकीन अता कर दे कि उसके बाद से अगर कोई मुझे इम्तिहान आए तो खुश रहूं यही चाहता है, मैं उसके है यकीन तो या मुझे वो ईमान अता कर दे वो कैफियत अता कर दे वो यकीन अता कर दे कि उसके बाद अगर मुझे आसानी हो जाए तो मैं बिगड़ूंगा नहीं और अगर मुझे मुश्किल आए तो मैं कहूंगा मेरे अल्लाह का फैसला मेरे बारे में यही है और मुझे इसी हाल में रहना है और ये मुश्किल अल्लाह ने जब तक मेरे साथ तदबीर करनी है मुझे जितनी करनी है लेकिन फैसला अल्लाह का बीमार हो गए दवाई खानी है परहेज करना है उसके बाद यकीन रखना है अगर अल्लाह का फैसला है मैं बीमारी रहूं या अल्लाह मुझके लिए तैयार मैं बर्दाश्त तो नहीं कर पाऊंगा बीमारी की मुसीबत लेकिन अगर आपका मनशा यही है कि मैं बीमारी की हालत में रहूंगा दवाइयां मैं करता रहूंगा वो भी आपका हुक्म है परहेज भी करूंगा वो भी आपके दीन का हुक्म है लेकिन अगर आपका फैसला यह है कि बीमारी की हालत में ही रहूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं मेरा मैं गिला नहीं करूंगा मैं शिकवा नहीं करूंगा ये कैफियत ये है बंदी की असल कैफियत अच्छा ना रजा बिलकजा अल्लाह के फैसले पर राजी होना अल्लाह के फैसले पर अल्लाह चाहते हैं मैं अपने बंदे को दूंगा फिर देखूंगा इसका रवैया और मैं अपने बंदे से छीन लूँगा फिर देखूंगा इसका रवैया क्या रहा मेरे साथ मुझे मुझसे वजन हुआ मुझसे दूर हुआ या मुझसे करीब आया जनाब रसूल वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह ने दोनों चीज़ें रखी हैं खुशियां भी बहुत बड़ी और परेशानियां भी बहुत जब हम खुशियां देखेंगे तो ऐसी खुशियां किसी को भी नहीं मिली होंगी और जब परेशानियां देखेंगे तो ऐसी परेशानियां किसी को भी नहीं आई होंगी मोहब्बतें ऐसी मिली हैं कि दुनिया में किसी शख्स को ऐसी मोहब्बत मिल ही नहीं सकती साहबे के राम ने जैसी मोहब्बत अल्लाह के नबी के साथ की है दुनिया की कोई कौम अपने नबी अपने किसी अवतार अपने किसी देवता अपने किसी किसी शख्स के साथ कोई मखलूक ऐसी मोहब्बत कर ही नहीं सकती है जैसी मोहब्बत जनाब रसुल अक्रम सलाम के साथ साहब करम और उम्मत ने की है आज भी दुनिया में अगर यह देखा जाएगा दुनिया में सबसे महबूब तरीन कौन है तो जवाब आएगा मोहम्मद रसूल ऐसा हो सकता है कि ईमान वाला अगर ईमान की सही हालत होगी तो कहेगा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन अपने नबी के तोहिर मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकती इस्लामी इस, इस, इस 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 तारीख यही बताती मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर लेता है वो अपनी नबी की तोहिन बर्दाश्त नहीं कर सकता एक बहुत बड़े सिकॉलर हैं डॉक्टर मोहम्मद अब गाजी वो कहीं यूरोप में किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गए थे तो वहाँ वो यूरोपियन सिकॉलर हैं उन्होंने सवाल किया कि मुसलमान नबी के मामले में बहुत ज्यादा मुश्तिल हो जाते हैं हालांकि आजादी राय का जमाना है हमें कहने कहा कि आपकी नबी के अंदर ये है और ये है आप लोग मुश्तिल क्यों हो जाते हैं तो डॉक्टर महमूद अब गाजी ने जवाब में कहा कि तुम लोग समझ भी नहीं सकते हैं कि हमको अपनी नबी के साथ कैसी मोहब्बत होती है एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता इस बात को कि हमारे नबी के मुतालिक कोई चीज कही जाए तुम्हारे नबियों के बारे में तुम लोग कुछ कहोगे उसको तुम आजाद रहे हम उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते दरअसल तुम्हारे यहां तस्वीर ही नहीं है कि एक मुसलमान के दिल में अपनी नबी की कैसी मोहब्बत होती है जनाब रसूल को अल्लाह ने महबूबियत का वो मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह के नबी अल्लाह की भी सबसे बड़ी महबूब और इंसानों के भी सबसे बड़ा महबूब इसके बाद फिर अल्लाह के नबी आसम इस महबूबियत के बुनियाद पर कोई तकबर नहीं तोजो नरमी हत्या की बुढ़िया दरवाजे पर कह रही है मुजाब से बात करनी था बाहर आ जाइए बाहर निकल गए एक बुढ़िया कहती है मुजाब से बात कर रही है बाहर आ जाए अल्लाह के नबी आज साहब ने यह नहीं फरमाया मैं क्यों आऊंगा बाहर नहीं फौरन वर्क करके कर, कर चले गए कोई खातून कहीं सड़क में रोक करके बात करना चाहते हजूर फौरन खड़े हो जाते थे थर, बच्चे कहते हैं कि जब हजूर सड़क से आते थे हम तैयार रहते थे हम सलाम करेंगे हम अभी सोचते ही थे हजूर वहीं चमको सलाम करते थे तो मकामी महबूबे पर फायज होने के बावजूद किबर नहीं नुकता जो मैं अर्ज कर रहा था वही कि हर आदमी हर वक्त समझे बे इम्तान दे रहा हो खुशियों की हालत में हूं तो भी इम्तिहान दे रहा हूं और अगर परेशानी की हालत आएगी तब भी इम्तिहान दे रहा हूं अल्लाह ताला शानो कुरान करिए फरमा लिया बलुआ कोम ताकि तुमको आजमाए थम इंसान इजा मब हो इंसान को मैं आजमाइश में डालता हूं और यह आजमाइश हो ही कभी दौलत मिलेगी कभी आसानियां होंगी कभी खुशियां होंगी कभी परेशानियां आएंगी कभी बहुत अच्छी सेहत होगी कभी बीवी के साथ अनबन होगी कभी बहुत खुशहाली होगी बहुत खुश होंगे मस्त जिंदगी गुजारेंगे इम्तिहान में फेल हो गए और खुशहाली की जिंदगी है लेकिन एहतियात के साथ ना गुना ना तकबर अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं पैसा आ गया तो बिगड़ने लग गए तो इसका यह फेल हो गया अल्लाह ने पैसा दिया था अब अल्लाह ताला सामने इम्तिहान डाल दे देखते हैं क्या करेगा और अगर इंसान ने अपने आप को पैसों के बावजूद बिगड़ने नहीं दिया तो कामयाब हो गया अहदा मिल गया अहदा मिल गया और उस अहदे का गलत इस्तेमाल नहीं किया तो, तो कामयाब हो गया और अगर अहदा मिल गया और का गलत इस्तेमाल किया तो फेल हो गया और जब इस नुक्ते पर हम गौर करते हैं तो इस दुनिया में इस दुनिया में मोहम्मद और अलैहि वसल्लम ने जो जमात तैयार की थी साहब कराम की ठीक उनको जब अहदे मिले हैं तोहदों से पहले भी जैसी हालत थीदों के बाद भी उनकी हालत ऐसी थी फारूक आजम अमीर उमन है माध्यम जबल गवर्नर है अमीर उमुमन की हालत पहले भी वैसी थी बाद में भी वैसी हुई माजिम जमाल गवर्नर है गवर्नर की कुर्सी पर बैठने के बावजूद उससे पहले भी वैसी हालत थी उसके बाद भी वैसी हालत है इस कुर्सी को उन्होंने ना अपनी दौलत के लिए इस्तेमाल किया न लोगों पर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल किया बल्कि वहां तो सूरत हाल यह है कि इंसान सोच भी नहीं सकता ऐसा भी हो सकता है या नहीं हजर फारुक आजम रजी अल्लाह तु के घर की हालत चूंकि बहुत तंगदस्ती की हालत थी कपड़े भी बराबर नहीं होते थे कपड़ों में पैवन लगाने पड़ते थे और अभी रुमोनिन है और आधी दुनिया पर हुकूमत चल रही थी इकदफा तो साहबे के रहा ने मशवरा किया रजी की मौजूदगी में कि देखो अमीर मुमनिन की तनख्वाह बहुत कम है इसलिए खाना भी इनको पूरा नहीं मिलता ये जिस्मानी तौर तो पर कमजोर भी हो गए हैं तो हम ऐसा करेंगे इनकी तनख्वाह में इजाफा करें लेकिन मुश्किल यह है कि जब हम तनख्वाह में इजाफा करेंगे तो यह कबूल नहीं करेंगे लिहाजा इनको मनवाना है किसी तरह से ये मान लें कि हम जो तनख्वाह में इजाफा करेंगे आप वो कबूल कर लें तो सोचने लगे किसके जरिए से कहलाएंगे ताकि ये मान लें तो सोचते सोचते हुआ अमीर उमीन हजरत फारूक आज रज़ी अल्लाह ताल की बेटी हैं हजरत हफ्हा और वह हैं जनाब रसूल अक्रम साहब अजवा मुतारात में से कहा हफ्सा से कहेंगे वह बेटी भी हैं और अमीर उम्मनी खुद उनका एहतराम करते हैं क्योंकि वह हजूर की बीवी हैं तो हजरत हफ् की खिदमत में जाकर अर्ज किया कि हमने तय कर लिया फारूक आजम अमीर उम्मनी की तनख्वाह में इजाफा करना है मगर मुश्किल ये है कि वो कबूल नहीं करेंगे हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप उनको मनवा लें कि जो हम इजाफा करेंगे वो कबूल कर लें चाचे हजरत हफ्ह ने कहा बहुत अच्छा चाचे पहुंच गई वो के पास और अबाजान एहतराम भी करते थे क्योंकि वह अजवाज मतहरा में से हैं तो अमीर उमोन का हफ्सा क्या हुक्म है कहा मैं आपके पास एक पैगाम लेकर के आई हूं साहब के राम ने मीटिंग में फैसला कर किया कि आपकी तनख्वाह कम है और आपको वक्त का खाना पूरा नहीं मिल रहा है इसलिए आप जिसमानी तौर तो पर कमजोर हो गए हैं तो आपकी तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा किया जा रहा है आपको वो कबूल करना होगा इसलिए मैं आपके पास आई हूं फारूक आजम रजी अल्लाह तआला बजाय इसके कबूल करते एकदम हो गए और हफ्सा क्या मदीने के हर घर में शाम को पेट भर करके खाना मिल रहा है लोगों को उनका नहीं फरमाया जब तक हर घर में खाना नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी तनखा कबूल नहीं कर सकता हालांकि कह सकते इंसानी तारीख में कोई नहीं कह सकता कि कुर्सी मिलने के बावजूद तो उनकी हालत यह थी तो गर्ज यह कि हम हर वक्त इम्तिहान में है जवानी यह इम्तिहान दे रही है पैसा इम्तिहान दे रहा है कुर्सी ये इम्तिहान हैदा ये इम्तिहान है इज्जत मिल गई यह भी एक इम्तिहान है सारे लोग एहतराम कर रहे हैं अब इम्तिहान है कि तो नहीं पैदा हुआ इसके जहन में टेड़ तो नहीं आ गई मैं पता नहीं क्या बन गया क्योंकि सारे मेरे सामने मेरे, मेरे एहतराम कर रहे हैं गरज ये कि हर वक्त हर इंसान इम्तिहान में है और इम्तिहान में कहते हैं मुश्किल वाले इम्तिहान को पास करना आसान है और दौलतों के इम्तिहान को पास करना मुश्किल है दौलतों के इम्तिहान में बचना बहुत मुश्किल है और मुश्किल के इम्तिहान में बचना आसान है मुश्किल में इंसान तोज़ों में होता है टूटा हुआ दिल होता है कमजोर हालत में होता है बिल बिलता है गिड़ गिड़ाता है परेशानियों की वजह से ठीक लेकिन दौलत में अकड़ होती है खुशियां होती हैं अयाशी आ जाती है और जब पैसा ज्यादा आता है तो इंसान सोचता है मैं क्या क्या करूंगा उसके बाद फिर फजूल खर्चियां आती हैं और न जाने क्या क्या होता है आज के जमाने में ज्यादातर इम्तिहान मुश्किलात का नहीं है ज्यादातर इम्तिहान आसानियों का फैसिलिटीज का जमाना है बल्कि यू कहिए पहले जमाने में बादशाहों के घरों में वो फैसिलिटीज नहीं है जो आज हर इंसान के घर में है जिन कालीनों पर हम बैठे हुए हैं पहले जमाने में बादशाहों के बाद में ऐसे कालीन नहीं थे जिस तरह की घरों के घरों में आज हमारे यहां हमारे दौर में जो आसानियां हैं जैसे बाथरूम जैसे किचन जैसे खाने पीने जैसे कपड़े जैसे जैसी टेक्नोलॉजी से फायदा आज लोग उठा रहे हैं यह सब तो पहले था ही पहले जमाने में सबसे बड़ी सवारी थी बादशाहों की हाथी की सवारी आज लोगों के आंगड़ों में कई कई गाड़ियां खड़ी हैं तो गोया आज आसानियों का जमाना है इस आसानियों के जमाने में इंसान को बिगड़ना नहीं चाहिए लेकिन आसानियों में ज्यादा बिगाड़ा है आदमी के हाथ में मोबाइल है इम्तिहान है आप इसका इस्तेमाल सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं आप रात के अंधेरे में इसको ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ वो चीजें देख रहे हैं जिन चीजों को देखते हुए आप जिस चीजों को देखते हुए हम हम अपने वालदेन को नहीं कह सकते हम क्या देख रहे थे हम अपने बी बच्चों को नहीं बता सकेंगे हम क्या देख रहे थे हम अपने दोस्तों को नहीं बता सकेंगे हमने क्या क्या सुना क्या क्या देखा इसका तब इम्तिहान में हम फेल हो रहे हैं अगर हम शर्मा रहे हैं कहां गोसू बोल सुन कुछ को पता नहीं चलना चाहिए मैंने रात को क्या क्या देखा इसका तब यह है कि हम इनडायरेक्टली फैसला कर रहे हैं कि हम नाकाम हैं इसके मुकाबले हमें कहना चाहिए जो कुछ हमने सुना जो कुछ हमने देखा कोई भी जान सकता है ये जो लाक करके रखते हैं और दूसरा नहीं देखना चाहिए ये डाउट है हम क्यों शर्माते हैं कोई नहीं देखना चाहिए इसका तब यह है कि कोई चीज है उसमें ऐसी जिसके बारे में हम चाहते हैं किसी को पता ना चलना चाहिए बहरहाल हर इंसान हर वक्त देखे मैं इम्तिहान में हूं क्लास में है दाएं बाएं कौन है आप इम्तिहान दे रहे हैं दफ्तर में है दाएं बाएं कौन क्या कर रहा है हम इम्तिहान दे रहे हैं दुकान पर है फलाने ने अपनी दुकानदारी में कहां से कहां पहुंचाया हम भी वही कर सकते हम इम्तिहान दे रहे हैं हम अपने घर में हैं वालदेन के साथ बी बच्चों के साथ रोस्तों के साथ भाइयों के साथ टकराव हो गया इम्तहान दे रहे हैं इस टकराव में हम हमारा रवैया का फैसला होगा कि हमारा रवैया सही है या गलत है अल्लाह उसका रवैया भी देख रहे हमारा रवैया भी देख रहे हैं है। फा इंसान रबरम व ना अमहु फ रबी अक्रमन वामा इधा मब तला फ़कदर आल रिज कहू फकुल रबी आहानन बंदे को मिलता है तो कहता है मैं हूँ और छिन जाता है तो कहता है मैं सुन साहू मेरी सामी भी नहीं आता अल्लाह ने मुझे क्यों ये मुसीबत डाली मैंने क्या किया था खुदा का तो न, फिर बस मैसेज इसमें यही है कि हर आदमी हर वर्ष समझे कि मैं इम्तिहान दे रहा हूं इस इम्तिहान में मुझे कामयाब दौलत का इम्तिहान पैसे का इम्तिहान जवानी का इम्तिहान का इम्तिहान शादी अभी नहीं हुई तो आपकी जवानी इम्तिहान दे रही है शादी हो गई है दूसरा इम्तिहान शुरू हो गया बीवी से अनबन शुरू हो गई एक और इम्तिहान शुरू हो गया बीवी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट एक और इम्तिहान शुरू हो गया इस अटैचमेंट आप बिगड़ भी सकते हैं और सुधर भी सकते हैं कारोबार में लाश चल रहा है इम्तिहान चल रहा है कारोबार बहुत तेज जा रहा है बहुत अच्छी हालत में जा रहा है तो इम्तिहान हो रहा है यह भी इम्तिहान और यह भी इम्तिहान है कुरान करीम में अल्लाह तुम इस इम्तिहान की तफसला बयान फरमाई है इरादा करना चाहिए कि हम हर किस्म के इम्तहान में अपने आप को कामयाब बनाएंगे और वही ईमान हमसे मुतालबा करता है वाखरदिल्लामी बेरहमति